हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड स्किन ड्राई होना शुरू हो चुकी है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट भी आना शुरू हो चुकी है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल एक ऐसी रेमेडी जो कि आपकी स्किन की ड्राइनेस को कम्प्लीटली रिमूव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है विंटर्स में। ये रेमेडी स्पेशली मैंने सिंपल इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ लड़कियों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, यानी कि 2-3 स्टेप फॉलो नहीं कर सकते, तो कुछ आप बहुत ही सिंपल सा बताइए जिससे कि हमारे स्किन के इश्यूज़ विंटर वाले रिजॉल्व हो जाएँ। तो इसलिए मैं आज आपके साथ में बहुत ही सिंपल सा एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन से ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, स्किन को हाइड्रेट रखेगी। सर्दियों में सारी की सारी प्रॉब्लम सर्दियों में स्किन पे यही होती है कि स्किन ड्राई हो रही होती है, उसकी वजह से कई सारे इश्यूज़ हम लोग के स्किन पे हो रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, क्रैक होने लगती है, और अगर हम मेकअप करते हैं अपने स्किन पे वो सेटल नहीं होता, केकी सा लगता है, या कुछ भी अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पे, स्किन से ड्राइनेस दिख रही होती है, स्किन लाइक कम्प्लीटली ड्राई हो रही होती है, मॉइस्चराइज या ग्लोइंग नहीं लग रही होती। और हर किसी को अपनी स्किन मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग चाहिए होती है सर्दियों में भी। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे आपकी स्किन की ड्राइनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक शीट मास्क बनाने का तरीका जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सर्दियों में कोई भी फेस पैक हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो उल्टा हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, लाइक मुल्तानी मिट्टी वाला या फिर किसी भी तरह के पाउडर वाला, अगर हम उसमें कोई मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते हैं तो बेस्ट होता है सर्दियों में हमारी स्किन के लिए शीट मास्क। शीट मास्क इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि उसमें हम लोग जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करता है, हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है। तो चलिए पहले इसको बनाना देख लेते हैं, उसके बाद कैसे यूज़ करना है, इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के आपको अपडेट मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लेना है एलोवेरा जेल। एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग होता है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है अगर स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने की बारी आती है। तो सबसे पहले ले लेंगे एलोवेरा जेल। 1 टीस्पून में एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है अगर सर्दियों में स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने की बात आती है तो ग्लिसरीन से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। 1 टीस्पून के करीब ही ग्लिसरीन इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क। बहुत ही ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाने में भी हेल्प करता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ, 2-3 टीस्पून हो गई है। और लास्ट में ऐड करना है इसमें रोज़ वाटर, ये भी मैं इसमें 2 या 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन हमारा बनके रेडी हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए कंप्रेस शीट मास्क। बहुत ज़्यादा आपने सुन लिया होगा इसके बारे में, अगर नहीं सुना है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बहुत इजी। एक्चुअली शीट मास्क आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसको देखो शीट मास्क लगा रहा होता है। और शीट मास्क बहुत महंगे मिलते हैं, 50, 60, 70 रुपये से स्टार्टिंग होती है और 150-200 रुपये तक आता है एक शीट मास्क। तो ये वाला जो शीट मास्क होता है कंप्रेस शीट मास्क, ये 100 रुपये के 50 आपको मिल जाएंगे, 50 या 60 अमेज़ोन पे, और इससे आप अपनी मन मर्ज़ी का शीट मास्क अपने लिए तैयार कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। तो इस कंप्रेस शीट मास्क को आपको इसमें डिप करना है और जैसे ही आप इसे डिप करेंगे ये इस तरह से राइज होना लग जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। सारे सॉल्यूशन को अपने अंदर ले लेता है अच्छे से और बाकी आप इसे खोल के और इसमें डिप कर सकते हैं ताकि ये और अच्छे से सारा सॉल्यूशन अपने अंदर सोक कर ले। और अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, आपने बनाना तो देख लिया कितना सिंपल शीट मास्क है ये। अगर हम मार्केट से शीट मास्क परचेज करने जाते हैं, आप अभी भी जाके इस वीडियो को देखते देखते ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है जो कि बिल्कुल प्लेन वाले होते हैं, लाइक लेमन शीट मास्क, कोकोनट वाटर शीट मास्क या फिर मिल्क शीट मास्क, राइस शीट मास्क, 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है, और 200 रुपीज़ तक ही जाता है। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड करके दिखाए हैं उतने इंग्रेडिएंट्स एक साथ तो आपको मिलने नहीं वाले हैं एक शीट मास्क में। बट कंप्रेस शीट मास्क की यही खासियत होती है कि इसे आप एक बार परचेज कर लेते हैं तो घर में आप अपने हिसाब से शीट मास्क बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वैरायटीज़ ऑफ शीट मास्क, यानी कि किस तरह से हम लोग शीट मास्क कैसे कैसे बना सकते हैं और भी उसके तरीके का मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूं,
तो आप नीचे कमेंट करें, मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको 5-6 तरह के शीट मास्क बनाना बताऊँगी, हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग एंड उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिलहाल ये जो शीट मास्क मैंने आपको बनाना बताया है वो स्पेशली वर्क करेगा आपकी स्किन के ड्राइनेस को दूर करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। इसके 3 ये पर्पस हैं मेन, ठीक है। तो इसे आपको अप्लाई करना है इस तरह से जैसे मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है 20-25 मिनट्स के लिए, डिपेंड करता है कि कब आपका शीट मास्क थोड़ा आपको ड्राई फॉर्म में आने लगे। एक्चुअली कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता क्योंकि इसमें लिक्विड होता है। आप इसे बस 15-20 मिनट्स रखें, उसके बाद आप इसे रिमूव कर दें और आपकी स्किन पे ऐसा मैजिकल ग्लो आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। इससे आपकी स्किन की सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, स्किन बेहद ग्लोइंग बन जाएगी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वीक में 3-4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील हो, आपको चाहिए कुछ ऐसा कि आपकी स्किन एकदम से हाइड्रेट हो जाए, तो आपको इस फेस मास्क को यूज़ करना है। आपको इसका बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप अमेज़ॉन पर जाके कंप्रेस शीट मास्क डाल के यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सुपरमार्केट में बहुत ईजिली आजकल ये मिल रहे होते हैं और बहुत ही चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे शीट मास्क बनाए आते हैं उससे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। एंड कोई भी टॉपिक पे आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।